शिव क्षेत्र के उंडू और राजबेरा के पास एक हादसा हुआ है बस और कार में। यह हादसा सुबह 8 बजे हुआ है और इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि इसमें दो जनों की शायद मौके पर ही मौत हो चुकी है। दो जनों की मौत हुई है ना, एक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और बस है जो एक कार से टकराई है और उंडू और राजबेरा के पास में यह हादसा हुआ है। शिव क्षेत्र के उंडू राजबेरा के पास इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि एक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। ये बस की हालत आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो यहीं पर ये हादसा हुआ है और कार हमें सामने दिखाई दे रही है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कार में जो लोग थे वो यात्री थे और उन्हीं के साथ ये दुर्घटना हुई है। देखिए यहाँ पर ही वो हादसा हुआ है और इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि एक की मौके पर ही मौत हो चुकी है और कार के पूरे चिथड़े हैं जो उड़ चुके हैं, बिखर चुकी है। कार के जो पूरे पुर्जे हैं वो अलग हो चुके हैं और यहाँ पर झंडी नज़र आ रही है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि यात्रियों की कार थी और इसी में दो की मौके पर ही मौत हो चुकी है। सामने आप देख सकते हो कार है जो पूरी बिखर चुकी है। ये शायद रामदेवरा जा रहे थे, रामदेवरा जा रहे थे। ये कब हुआ हादसा? सुबह आठ बजे। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 बजे। कैसे हादसा कैसे हुआ? आज की गाड़ी जा रही थी, रामदेवरा आ रही थी हमारे वहाँ, पैदल संग गए थे हमारे, हम भाई है। अच्छा, तो वहाँ आ रहे थे हमारे वहाँ मिलने के लिए। अच्छा, तो ये गाड़ी वाले ने उठा लिया। अच्छा, कैसे बस से कैसे टकराई गाड़ी? गाड़ी सीधी जा रही थी, दो ट्रैक्टर पड़ा था तो इसने ओवरटेक करा गाड़ी वाले ने। हाँ, ओवरटेक में ये गाड़ी को उठा लिया। अच्छा, ब्रेक नहीं मारी गाड़ी वाले ने। गाड़ी वाले ने ब्रेक नहीं मारी और गाड़ी को उठा लिया। देखिए ये यात्री है और इनका कहना है कि बस ओवरटेक कर रही थी और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? जयंती भाई। अच्छा, ये हादसा किस तरह से कब हुआ? मैं तो उसका भाई हूँ। अच्छा, अभी आए हो। अच्छा, यहाँ पर मौके पर कौन थे? मौके ऊपर तो कोई खेत वाला कोई भी नहीं था। पुलिस नहीं आई अब तक? पुलिस आके चली गई पुलिस स्टेशन। अच्छा, देखिए खतरनाक हादसा हुआ है, ये उंडू कश्मीर राजबेरा के पास में हुआ है, शिव क्षेत्र के, बाड़मेर जिले की शिव क्षेत्र के पास में हादसा हुआ है। यात्री जो है रामदेवरा से पैदल संघ था, उसी के साथ में एक कार थी और ओवरटेक करने की वजह से ओवरटेक करने की वजह से बस है जो कार के ऊपर आ गई और कार की जो हालात है वो आप पूरे देख सकते हो। जो दो इसमें कितने यात्री थे पूरे? तीन लेडीज एक जेंट्स। किन की मौत हुई है मौके पर? ड्राइवर के, एक घंटों बाद में निकले जेसीबी टाइप। अच्छा, तीन जगह महिला ही, वो तो सीरियस ज्यादा दिखे ही खिंडूड़ी। अच्छा, ये कहीं ठीक लगे हम भगवान हनुमान को बचा सके। अच्छा, वो कहाँ रेफर किया उनको? बाड़मेर रेफर कर दिया। बड़ी देखिए कार यहीं पर ही हादसा हुआ है। इनका कहना है कि दो ट्रैक्टर है जो यहाँ से आगे आगे जा रहे थे और बस वाले ने ओवरटेक करने की खड़े ही थे आ रहे थे पत्थर से भरे ट्रैक्टर थे वहाँ खड़े थे ट्रैक्टर खड़े थे में। अच्छा, साइड में खड़े थे वो ट्रैक्टर वाले, टायर ठंडे कर रहे थे, क्या पता कोई चाय पानी कर रहे थे। बस ने ओवरटेक किया, बस ने ओवरटेक किया, ये तो अपनी साइड में जा रही थी, अपने साइड में जा रही थी। ये देखो 100-125 फुट खींच के लाई यहाँ से गाड़ी, लग्जरी वाले ने उठा लिया। देखिए बस है जो इस कार को सामने जो ईंटें नज़र आ रही है वहाँ से खींचकर इस जगह पर लाकर बस ने इस कार को छोड़ा है और इसमें जो यात्री थे गुजरात के पैदल संघ के साथ ये कार थी और हादसा इतना खतरनाक हुआ है कि दो जो लोग थे इसके अंदर, बताया जा रहा है कि 4 जन इस कार के अंदर थे, एक लेडीज़ और 3 जेंट्स थे। तीनों लेडीज़ थी। ड्राइवर घंटों बाद और एक तीन को ले गए हॉस्पिटल, क्या पता हमें कितनी। अभी पूरी जानकारी नहीं है पर यहाँ पर मौके पर जो है दो लोग, एक लेडीज और एक जेंट्स ड्राइवर जो था वो ख़त्म हो चुके हैं और यहीं पर वो हादसा हुआ है। देखिए बस कहना इनका ये है कि बस जो ओवरटेक कर रही थी और ट्रैक्टर यहाँ पर पास में ही खड़े थे और उसकी वजह से हादसा हुआ है। जो आप देख सकते हो रोड पे पूरे कांच बिगड़ चुके हैं और यहीं से सामने जो आपको ब्रेक नज़र आ रहे वहीं से
बस ने इस कार को उठाया है अपने साथ, उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अच्छा, कार को यहाँ यहाँ पर लेकर आए थे, फिर उधर साइड में किया या वहाँ पर चली गई? अच्छा, साइड में किया है। देखिए, कार को यहाँ पर बस ने लाकर छोड़ा है, कार के ऊपर बस चढ़ गई थी और ड्राइवर साइड में बस है जो इस कार के ऊपर चढ़ी थी, जो ड्राइवर चला रहा था उसी के साइड से कार के ऊपर चढ़ गई और बस में शायद लगता है कि कोई हादसा नहीं हुआ, किसी को भी चोट नहीं आई, पर जो कार में जो लोग थे, दो लोग, एक लेडीज़ और जेंट्स, उनकी मौके पर ही ख़त्म हो गए और दो लोगों को इमरजेंसी में बाड़मेर रेफ़र किया है।